Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students of 11th class, I hope you are watching these videos with confidence and are working for the annual examination. As we have dealt with oxygen or the chemical substances or growth hormones having an unsaturated ring site structure capable of promoting cell elongation, especially shoot. So far as this oxygen is concerned, it has been discovered since long. There are various types of oxygens. It includes indole acetic acid and also indole butyric acid. And today our topic is the functions of oxygens. The first and most important function is including respiration. Oxygens stimulate respiration most probably by increasing availability of respiratory substrate. तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक का ताल्लुक है कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो ऑक्सीजनज ही वो हैं जो इसको अवेलेबल करते हैं. तो इस तरह से रेस्पिरेशन को वो स्टिमुलेट या इंक्रीज करते हैं. तो ऑक्सीजन की पहली फंक्शन है ये हेल्प और स्टिमुलेट रेस्पिरेशन. सेकंड इज मेटाबॉलिज्म. एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन फाउंड एनहांस मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मेटाबॉलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज. सो फॉर एज दिस टॉपिक इज कंसर्न्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म. एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन फाउंड टू एनहांस द मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज. एंड here students, there is also the third function, that is solutes. Oxygen is increase storage of solute inside the cell. जो storage of solutes है तो वो oxygen की वजह से बढ़ती जा रही है. तो इस तरह से जो solutes होते हैं तो उनकी storage increase होती है due to presence of this oxygen. This is a chemical hormone or growth regulator. Third and fourth is cell enlargement. It is the most fundamental activity of oxygens. Cell enlargement is caused by solubilization of carbohydrates, losing of wall microfibrils, synthesis of more wall material, increased membrane permeability, respiration. तो इस तरह से जो cell enlargement है इसमें भी इसका एक अहम रोल बनता है. That is oxygens. Oxygens also play the important role of cell enlargement. And there is also the chemical activity. Degree of chemical activity is directly proportional to the oxygen concentration. जहाँ तक इस फंक्शन का ताल्लुक है ये ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जितनी जितनी बढ़ जाती है तो इसी तरह से केमिकल एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एज डिस्कवर्ड बाय एवरी एट ऑल इन 1947. ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंट्रोल ज़ाइलम डिफरेंशिएशन. देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज सेल डिवीजन. ऑक्सीजन इज नोन टू प्रमोट सेल डिवीजन इन द सेल्स बाय वैस्कुलर कैमियम. इस तरह से जो वैस्कुलर कैमियम की मदद से ऑक्सीजन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है यह भी एक अहम. इस तरह सेलों की तादाद बढ़ती जा रही है तो यह भी ऑक्सीजन की एक अहम और एक मकबूल फंक्शन मानी जाती है. टिश्यू कल्चर. इनकी टिश्यू कल्चर द डेवलपमेंट ऑफ केलस और मॉस ऑन डिफरेंट सेल्स इज प्रमोटेड बाय ऑक्सीजन. डिफरेंशिएशन ऑफ केलस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनस. टिश्यू कल्चर में भी ऑक्सीजन का एक अहम रोल होता है कि वो टिश्यू कल्चर को प्रमोट करता है या डेवलप करता है. इस तरह से अनडिफरेंशिएटेड और केलस और मॉस ऑफ अनडिफरेंट सेल्स जो प्रमोट होती है ड्यू टू द ऑक्सीजन. रूट फॉर्मेशन. इस तरह से जो रूट फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन प्रमोट रूट इंस्टेशन एट कंसनट्रेशन विच इज़ इनहेबिटरी फॉर ग्रोथ ऑफ इनटेक रूट्स. जो ऑक्सीजन होते हैं वो रूट इंस्टेशन या रूट को प्रमोट करने में जितनी भी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है इस तरह से रूट फॉर्मेशन भी इंक्रीज होती है. तो इस तरह से विच इज और इनटेक रूट्स के लिए जो अगर इनहेबिटरी मानी जाती है मगर रूट इंस्टेशन के लिए ये ऑक्सीजन का होना लाजमन है. एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस इज द फेनोमेना बाय विच प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड डज नॉट अलो द नियर बाय लेटर बर्ड्स टू ग्रो. व्हेन द एपिकल बर्ड्स इज रिमूव्ड द लेटर बर्ड्स सेल्फ आउट. दिस प्रोड्यूस डेंस एंड बुशी ग्रोथ. द फेनोमेना इज वाइडली यूज्ड इन द टी प्लकिंग एंड हेज मेकिंग. एपिकल बर्ड इनहिबिटर्स द ग्रोथ ऑफ लेटर बर्ड्स बाय रिलीज ऑक्सीजन. इट इज कंफर्म फॉलोइंग द कट एंड ऑफ द डिकेपिटेड शूट बाय ए फॉरेस्ट ऑफ ऑक्सीजन. द लेटर बर्ड्स रिमेन इनहिबिटेड एज इफ़ द एपिकल बर्ड इज़ प्रेजेंट. इस तरह से एपिकल डोमिनेंस होती है एपिकल बर्ड की दूसरे बर्ड्स को मतलब इनहेबिट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें भी एपिकल डोमिनेंस में भी ऑक्सीजन का एक अहम और अहम रोल माना जाता है. इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है इनकी एक अहम और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो ग्रोथ ये ग्रोथ रेगुलेटर है और इसको
بہت ساری فنکشنز انکلوڈ ریسپریشن، میٹابالزم، سالیوٹ فارمیشن، سیل انلارجمنٹ، سیل ڈویژن، اس طرح سے گیم ایکٹیویٹی اور اپیکل ڈومیننس میں اہم رول مانا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈ. تھینکس.